नमस्कार दोस्तों, आपने नींबू का इस्तेमाल तो करते हुए कई लोगों को देखा होगा, घर में भी यूज होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे बुरी आत्माएं, नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम त्रिशूल या फिर घर के दरवाजों पर लटका देते हैं। या अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी बीमारी ठीक ना होने पर हम उसके सर के ऊपर भी नींबू को लगा देते हैं, ताकि उसकी जो बीमारी है वो जल्दी ही ठीक हो जाए और वह नींबू के उस प्रभाव से भी ठीक हो जाए। दुर्गा माँ भी दुष्टों का नाश करने के लिए भी जानी जाती हैं, इसलिए नींबू से बनी हुई कुछ आभूषण दुर्गा माँ पर चढ़ाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं? जानिए इस वीडियो के दौरान। दुर्गा माँ को घी के दीपक नहीं जलाए जाते हैं, दुर्गा माँ को नींबू के छिलके में दीपक जलाए जाते हैं। वो कैसे बनता है? नींबू के छिलके बहुत पतले होते हैं, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाता है, उनके अंदर से रस भी निकाल देते हैं। उसे खाली करके उसे इस प्रकार से गोल कर लिया जाता है। वही नींबू के छिलकों को एक के ऊपर एक रखकर उसमें तेल या घी डालें और घी डालने के बाद उसे प्रज्वलित करें। ऐसे दुर्गा माँ की आरती की जाती है। नींबू प्रतीक है हमारे अंतर्मन का। अंतर्मन यानी कि जब हम नींबू को बिल्कुल उसे खाली कर देते हैं तो वह जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो हमारे अंतर्मन दिखाते हैं, और जो नींबू के पीछे का हिस्सा डार्क हरा होता है, जो हमारी जो लालच वासना उन चीज़ों को दूर रखता है। दुर्गा माँ के आगे जब हम नींबू से दीपक जलाते हैं तो ये हमारे अंतर्मन की प्रतिमा दिखाता है। कहा जाता है केले के तने से उसकी पत्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि वह शुद्ध भी मानी जाती हैं और उससे हमारे जीवन की अंतर्मन तक की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और जो रुई से बाती बनती है वह हमारी समृद्धि के लिए मानी जाती है। कमल की टहनी हमारे पूर्व जन्म में किए जाने वाले पापों को दूर करती है। कहा जाता है यदि इन तनों या शाखाओं से अगर दीपक जलाया जाता है और नींबू की कटोरी में ही जलाया जाता है तो दुर्गा माँ आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। कहते हैं कि दुर्गा माँ की अगर पूजा करते हैं तो नींबू से ही पूजा करें, क्योंकि दुर्गा माँ खुद ही प्रतिमा। दुर्गा माँ दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए ही जन्मी है। आपने कई बार दुर्गा माँ को कितने भयंकर रूपों में देखा है। उन भयंकर रूपों का मतलब यही है कि वह जो नकारात्मक परेशानियाँ हो, कलह हो, क्लेश हो, वो जो भी परेशानी हो घर में, सभी परेशानियों को दुर्गा माँ इस विधि के दौरान पूजा करने से सारी दूर हो जाती है। तो ये थे वे कारण जिसके कारण दुर्गा माँ को नींबू के साथ आभूषण और पूजा की जाती है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।